नमस्कार, न्यूज़ स्टूडेंट एडवर्ट को आपका स्वागत है। इस समय हल्द्वानी में हम लोग हैं और हल्द्वानी में एक घटना हुई है, फायर की काफ़ी बड़ी घटना हुई है। उसमें करीब 3 से कार क्षतिग्रस्त हुई हैं, जो जबकि जलकर राख हो गई हैं। इसके अलावा 4 गाड़ियां ऐसी हैं जो 2-व्हीलर्स हैं, वो जलकर राख हो गए हैं। लेकिन हमारे साथ में CO हैं फायर के, गौरव जी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्योंकि आपके साथ में जो ये शख्स देख रहे हैं आप, ये वो शख्स हैं जिन्होंने अंदर जाके इसको तस्दीक किया था कि किस तरीके से आग पर काबू पाया जा सकता है। अपनी जान को जोखिम में डालकर आप अंदर पहुंचे थे। गौरव जी, उनसे बातचीत करते हैं कि ये जो पैरामीटर्स हैं, इसको किस तरीके से आप लोग तैयार करते हैं, क्या सोच के आप प्लानिंग करके आप अंदर जब जाते हैं तो क्या आप लोगों की प्लानिंग रहती है पूरी? जैसे कि भी आप जानते हैं कि अंदर बहुत स्मोक रहता है, तो ब्रीथिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसको दूर करने के लिए ब्रीथिंग एपरेटस है। इसके अंदर एयर गैस रहती है, इसकी वाटर कैपेसिटी 9 लीटर की रहती है और 2200 लीटर इसमें एयर आती है। ये टोटल 45 मिनट चलता है और जैसे ही 10 मिनट बचे होते हैं 45 मिनट से, तो इसमें विसिल चालू हो जाती है, ताकि जब अंदर आदमी जाए तो उसको पता चल जाता है कि 10 मिनट बचे हैं, अब हमारा एग्ज़िट टाइम आ गया है। और इससे तब इसको यूज़ करते हैं तो जो एयर रहती है वो हम इनहेल करते हैं, तो स्मोक नहीं आता है, तो आदमी फ्रीली काम कर सकता है। कंपेयर टू जो बिना इसके जाते हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब मैं देखता हूँ कि कई जगह दमकल कर्मी भी हताहत हो जाते हैं, तो उसकी सेफ्टी के लिए किस तरीके के और भी प्लानिंग की ज़रूरत रहती है जो आप लोग समझते होंगे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके अंदर कार्बन भी डिपॉजिट हो गया होगा, क्या आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो किस तरीके से आप इनको, क्या हॉस्पिटल में चेकअप के लिए ले जाना पड़ता है, क्या करते हैं? नहीं, ये तो BA सेट है, तो इसमें तो 100% इन व्यक्तियों ने 100% ऑक्सीजन ही इनहेल करी है, मतलब टोटल एयर इनहेल करिए, जिसमें हमारा ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब रहता है। और बात रही और दमकल कर्मचारियों की, तो उनको हमने अंदर नहीं भेजा था, उनको सपोर्ट के लिए बाहर ही रखा गया था, ताकि वो स्मोकी एटमॉस्फेयर में नहीं आ पाए। कितनी आपने अभी दमकल की गाड़ियां यहां पे पहुंची थी, जो आपने अब तक रेस्क्यू किया पूरा? यहां टोटल 4 गाड़ियां दमकल की पहुंची थी, 5000 लीटर की हर गाड़ी की क्षमता है। ये तो गौरव जी ये बता रहे थे कि किस तरीके से फायर को कंट्रोल में करने के लिए उनके फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, उसके ज़रिए उनके कर्मचारी अंदर घुसे और उन्होंने आग पर काबू पा लिया।